नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आप में से बहुत लोग मुझसे बहुत दिन से बोल रहे थे कि जो OnePlus Nord मतलब जो OnePlus का बजट स्मार्टफोन आने वाला है, इसके ऊपर एक कॉम्प्लीट वीडियो बनाऊं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए एक कॉम्प्लीट वीडियो लेके आ चुका हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको एक ही चीज़ गारंटी दे सकता हूँ कि आपको और किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें मैं आपको OnePlus Z के ऊपर A टू Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। किस प्राइस में लॉन्च होगा, जिस प्राइस में लॉन्च हुआ क्या उस प्राइस में क्या आपको वो लेना चाहिए या फिर नहीं, सबका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो OnePlus Z जो कि OnePlus का बजट एडिशन होने वाला है, ये स्मार्टफोन लॉन्च हो रहा है 21 जुलाई को और एक अमेजोन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा, मतलब किसी और साइट में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर हम इसके फॉर्म फैक्टर मतलब डिजाइन के बारे में बात करें तो जैसे कि हमें OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro दिखता है, एग्जैक्टली सेम चीज हमें दिखेगा। और इसका ओवरऑल थिकनेस होगा 8.6 मिलीमीटर और इसका वेट भी होगा लगभग 190 से 200 ग्राम के आसपास। और अगर इसके ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो एक हजार की इसका आगे पीछे दोनों साइड पे गोइला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन होगा। और कुछ रूमर्स के अनुसार ये भी पता चला है कि इसमें IP53 का डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट भी होगा। IP53 मतलब डस्ट के खिलाफ ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोटेक्शन और वाटर के खिलाफ बस छींटे के तरफ से प्रोटेक्शन, मतलब अगर आप इस स्मार्टफोन को पानी के नीचे डाल दे तो 100% बिगड़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, IP53 मतलब बस छींटे के खिलाफ प्रोटेक्शन, कोई वाटर जेट के खिलाफ प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो OnePlus 8 में हमें मिलेगा 6.55 इंच फुल एचडी प्लस 90 हर्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले। इसमें होगा 20:9 एस्पेक्ट रेशियो और इसका ग्लास होगा कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले। और ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, इसमें होगा गोइला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन। अगर इसके प्रोसेसर के बारे में बात करें तो वो होने वाला है स्नैपड्रैगन 765G और मेरे ख्याल से स्नैपड्रैगन 765G के साथ ये इंडिया का सबसे पहला कमर्शियली अवेलेबल स्मार्टफोन होने वाला है। और स्नैपड्रैगन 765G होने वाला है, इसका मतलब गेमिंग के लिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। एक बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर है, 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है, 2.4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम स्पीड है और एड्रिनो 620 इसका ग्राफिक्स कार्ड है। मतलब सिंपल शब्दों में कहे बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है स्नैपड्रैगन 765G। अगर इसके कैमरे के बारे में बात करें जो कि OnePlus सीरीज का सबसे मेन हाईलाइटिंग फीचर होता है, तो OnePlus के CEO ने खुद कहा है कि इसका प्राइस होगा बजट, लेकिन इसका कैमरा एक्सपीरियंस होगा एग्जैक्टली फ्लैगशिप लेवल। आप एक हजार है कि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर क्वाड कैमरा सेटअप होगा। अगर इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होता है तो वो सेटअप होगा 64, 16 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा। और अगर चार सेंसर होता है तो उसमें से एक सेंसर 64 मेगापिक्सल होने के बहुत ज्यादा चांस है। अगर इसके फ्रंट कैमरा के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन है कि ये होने वाला है 32 और 8 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल फ्रंट कैमरा। और क्योंकि स्मार्टफोन OnePlus की तरफ से आने वाला है तो ऑब्वियसली इसका कैमरा ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही शानदार होगा। EIS का सपोर्ट होगा, डुअल टोन फ्लैश होगा, 4K 30fps या फिर फुल एचडी 30fps आप वीडियो पे खींच सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसका रैम और स्टोरेज के बारे में। कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, एक 6GB 120GB वेरिएंट और एक 8GB 256GB वेरिएंट। और OnePlus 8 के जैसे इसमें भी आपको एसडी कार्ड का सपोर्ट नहीं मिलेगा। वैसे देखिए एसडी कार्ड तो होना चाहिए, लेकिन एसडी कार्ड अगर ना हो मतलब एसडी कार्ड अगर कोई इंसान ना यूज करे तो फोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, ये मैंने खुद देखा है। इसलिए मैं भी आपसे रिकमेंड करूंगा अगर फ्यूचर में कोई भी स्मार्टफोन खरीदना चाहते तो अगर एसडी कार्ड अगर ना इस्तेमाल करें तो ही आपके लिए बेटर होगा। अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो वो होगा ऑक्सीजन ओएस वर्जन 10 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 या फिर एंड्रॉइड 11। एक स्मार्टफोन में अवेलेबल सभी के सभी सेंसर इसमें अवेलेबल होगा, लेकिन इसमें 3.5mm जैक होगा कि नहीं इसके बारे में अभी तक कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन मैंने देखा है कि OnePlus जनरली वही चीज अपने स्मार्टफोन में इंक्लूड करता है जो कि कंज्यूमर्स को चाहिए, और कंज्यूमर्स को 3.5mm जैक तो 100% चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से इसमें 3.5mm जैक तो जरूर होगा। और इसके साथ साथ इसमें डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, GPS, ग्लोनास, नेबिक, USB टाइप सी, ये सब कुछ होगा। अगर इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो वो होगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो अब हम देखते हैं इसका बैटरी क्या होने वाला है। रूमर्स के अनुसार ये पता चला है कि इसमें होगा नॉन रिमूवेबल 4300mAh बैटरी विद 30W वार्प फास्ट चार्ज। तो इस स्मार्टफोन के प्राइस बताने से पहले मैं जरा अपने ओपिनियन इसके ऊपर देना चाहूंगा। अगर मैं इसके डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो मैं इसे 4 out of 5 देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इसका प्राइस ऑब्वियसली 30,000 या फिर 40,000 के आसपास होगा और उस प्राइस रेंज में हमें 120Hz रिफ्रेश रेट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट नहीं है, बस 90Hz रिफ्रेश रेट है। इसीलिए मैं इसे 4 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ। अगर इसके CPU के बारे में बात करें तो उस प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 765G परफेक्ट चॉइस है।
अगर इसके कैमरे के बारे में बात करें तो इसके लिए भी मैं इसे 5 out of 5 देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप या फिर 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है, और फ्रंट में 32 और 8 मेगापिक्सल का डुअल पंच होल सेल भी होने वाला है, मतलब कैमरा में नो कॉम्प्रोमाइज। अगर डिजाइन के बारे में बात करें तो इसमें मैं देने वाला हूँ 4 out of 5 स्कोर, क्योंकि वही सेम जैसे OnePlus 8 Pro में डिजाइन था, एग्जैक्टली सेम डिजाइन इसमें होने वाला है, कोई नया इसमें नहीं होगा। अगर इसके डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो मैं इसे 3 out of 5 देना चाहूंगा, क्योंकि देखिए इसका प्राइस मेरे ख्याल से 30,000 से 40,000 के बीच में होगा, उस प्राइसेज पे हमें IP68 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिल रहा है IP53, इसलिए मैं इसे 3 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ। और स्टोरेज वेरियंट के बारे में बात करें तो मैं इसे 4 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ, क्योंकि 6GB 120GB वेरियंट और एक 8GB 256GB वेरियंट हमें मिल रहा है, ठीक है बढ़िया बात है, लेकिन इसका जो मेमोरी क्वालिटी वो दरअसल है UFS 2.1, अगर 3.0 होता तो बहुत ही बढ़िया होता, इसीलिए मैं इस मामले में इसे 4 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ। और अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें तो उसमें मैं इसे 4 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसके प्राइस के अनुसार और मॉडर्न ट्रेंड के अनुसार इसका बैटरी 100% 4500mAh से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है इसीलिए मैं इसे 4 out of 5 स्कोर दे रहा हूँ। और अगर इसके प्राइस टू स्पेक्स रेशियो की बात करें तो इसके अनुसार OnePlus का रेपुटेशन देख के और मार्केट वैल्यू देख के मैं इसे 4 out of 5 स्कोर देने वाला हूँ। अब जो मेन चीज जिसके लिए अब वेट कर रहे थे, इसका प्राइस क्या होने वाला है, कुछ लीक सोर्स से मुझे ये पता चला कि इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा 290 यूरो। अब देखिए 290 यूरो को अगर हम डायरेक्टली इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो वो होता है 25,000 रुपीस, और OnePlus के सीईओ ने भी खुद कहा है कि इस स्मार्टफोन का प्राइस होगा $500 के नीचे। अब देखिए कंपनी के सीईओ वो तो असली प्राइस बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, अब ₹500 तो खुद ही OnePlus 8 का प्राइस है, अब ₹500 तो ऑब्वियसली इसका प्राइस नहीं होगा, तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये जो लीक सोर्स से मुझे पता चला है कि इसका प्राइस होगा 290 यूरो, जो कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करने से हमें मिलता है 25,000 रुपीस, मेरे ख्याल से यही होगा इसका प्राइस, क्योंकि पिछले दिन रात को मोटरोला मोटो जी 5G नाम का एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, जो कि मोटरोला की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 765G वाला स्मार्टफोन है, ऑलमोस्ट सेम स्पेसिफिकेशन है OnePlus के जैसे, लेकिन उसका प्राइस है लगभग 27,000 से 28,000 के आसपास, और क्योंकि OnePlus एक बेटर कंपनी है मेरे ख्याल से, और प्राइस भी हमेशा ठीक ठाक ही रखता है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से OnePlus 8 का बेस वेरिएंट शुरू होगा 24,999 रुपीज से, और 8GB 256GB वेरिएंट शुरू होगा मेरे ख्याल से 28,999 रुपीज से। तो ये जो OnePlus Nord आने वाला है इसके ऊपर मैंने इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया, और इसके प्राइस के बारे में भी आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो इसके लिए भी अगर आपको OnePlus Nord के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानना हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर नीचे दिए गए इस टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।